नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जनवरी महीने की टॉप 7 भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, तो दोस्तों इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों बात करते हैं, 7 वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, और इन जॉब में क्या सैलरी रहने वाली है, इनमें कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी क्या छूट है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट वैकेंसी के बारे में। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद सचिवालय पोस्ट है दोस्तों 11, रिपोर्टर की पोस्ट है। और दोस्तों इसमें योग्यता है ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या इक्वलेंट डिग्री। दोस्तों एज लिमिट है मेल की 21 से 37 ईयर, फीमेल की 21 से 40 ईयर। दोस्तों लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024। अप्लाई के लिए फी है दोस्तों 600 से 1200 रुपये। सैलरी रहने वाली है 53,100 रुपये से 1,67,800 रुपये पर मंथ। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, और दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट है। दोस्तों इसमें पोस्ट है 230, जो कि सिस्टम असिस्टेंट की है। दोस्तों योग्यता है ग्रेजुएशन बीई बीटेक एंड अदर। दोस्तों एज लिमिट है 18 से 40 ईयर। दोस्तों अप्लाई डेट है 4 जनवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक है। अप्लीकेशन फीस है 450 से 750 रुपये। सैलरी रहने वाली है 26,300 से 83,500 रुपये पर मंथ। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, और दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है। दोस्तों एग्जाम है सिविल सर्विस कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जाम। दोस्तों पोस्ट है 276 पोस्ट है। स्टेट सर्विस महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग सर्विस, महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्विस। दोस्तों योग्यता है ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग डिग्री। एज लिमिट है 18 से 38 ईयर। दोस्तों अप्लाई डेट है 5 जनवरी से 25 जनवरी 2024। एप्लीकेशन फीस है 344 से 544। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, ओनली फॉर महाराष्ट्र के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है बिहार विधानसभा सचिवालय पोस्ट है दोस्तों 183, ड्राइवर सेक्रेटरी गार्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस अटेंडेंट। दोस्तों योग्यता है 10th या 12th पास। एज लिमिट है 18 से 37 ईयर। लास्ट डेट है 1 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है दोस्तों 100 रुपये से 675 रुपये तक। सैलरी रहने वाली है 19,900 से 81,100 रुपये पर मंथ। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगली वैकेंसी है नेशनल इंश्योरेंस काउंसिल लिमिटेड, यानी कि इसमें पोस्ट है दोस्तों 276, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दोस्तों योग्यता है इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीई बीटेक एमई एमटेक एमबीबीएस एंड अदर। एज लिमिट है 21 से 30 ईयर। दोस्तों अप्लाई डेट है 2 जनवरी से 22 जनवरी 2024। एप्लीकेशन फीस है 250 से 1,000 रुपये तक है। सैलरी रहने वाली है 50,925 से 96,765 रुपये पर मंथ प्लस अलाउंस। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी कि UPPRPB। दोस्तों पोस्ट है 285, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड। योग्यता है 12th पास, डिप्लोमा या IT या ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 18 से 30 ईयर। अप्लाई डेट है 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक। एप्लीकेशन फीस है 400 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी के लिए। सैलरी रहने वाली है 25,500 से 1,42,400 रुपये तक, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों इस फॉर्म को ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। दोस्तों पोस्ट है 221, जो कि SI की है, ASI क्लर्क की है, ASI अकाउंटेंट की है। दोस्तों योग्यता है ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 21 से 28 ईयर। दोस्तों अप्लाई करना है 7 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक।
एप्लीकेशन फीस है 400 रुपये और कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। सैलरी रहने वाली है 29,200 से 1,12,400 रुपये पर मंथ। ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 वैकेंसियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।